तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो 2017 में पटवारी का एग्जाम हुए थे उन एग्जाम में जो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन 20 क्वेश्चनों को यहाँ लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो में वह 20 क्वेश्चनों के सभी सोल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों अगर आप एमपी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको इन क्वेश्चनों को देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे क्या पूछे जा सकती हैं, जिससे आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने इस एग्ज़ाम में जो पिछले पटवारी के पेपर हैं उन सभी के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो मैंने अपने चैनल पर वह वीडियो भी अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हिंदी, जीके, कंप्यूटर और पंचायती राज के सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में वह एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट वन में जो 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे वह क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसका हमें कैसे करना है। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन से जिस टाइम तक यानी कि पीरियड तक पूछा गया है आपको करंट टाइम की वो डेट निकाली है, जिस टाइम की पूछा गया है उस टाइम से आपको पुराने टाइम को माइनस कर देना है। माइनस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पूछा गया है 25 दिसंबर 12 यानी कि 12वां महीना और 1998 ईयर है, इसमें से अब हमें माइनस करना है क्या, 1 अप्रैल यानी कि 14वां महीना और 1998, इससे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर 00, यहाँ पर 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो अब जो हमारे सामने निकल कर आया है तो वह आया है कि इस पीरियड में 8 महीने और 24 दिन टोटल हुए हैं। दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक बात को नोटिस करके रख लेना है कि जो मंथ होते हैं वह 30, 31, 28 ऐसे उछलते हैं, तो हमें यहाँ पर वह मंथ को अलग कर लेना है जो 31 तारीख के होंगे, यानी कि अप्रैल 1 अप्रैल से पूछा गया है तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि अप्रैल 30 का है या 31 का। तो इसमें अप्रैल, तो यहाँ पर अप्रैल क्या होता है 30 का, तो ठीक है अप्रैल के बाद जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मई। मई में 31 दिन होते हैं तो एक दिन उसका यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई का एक दिन, जुलाई के बाद अगस्त एक दिन, अगस्त सितंबर में 30 होती हैं और फिर अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30 और दिसंबर का यहाँ पर 25 तारीख तक का पूछा गया है, तो इसमें तो एक दिन एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा, तो जो 4 दिन यहाँ पर हम हमारे एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो 31 डेट के मंथ हैं उनमें से यहाँ पर 4 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, तो वह 4 दिन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 28 दिन। अब जो हमारे पास डाटा निकल कर आया है वह आया है 8 महीने और 28 दिन। अब यहाँ पर हम 8 महीने को 30 से गुणा कर देंगे तो वह हो जाएगा 240, यानी कि 240 दिन और प्लस 28 इसमें यह जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 268। यहाँ पर हम 268 में अब हम भाग दे देंगे 7 डेज का, यानी कि 7 का भाग देना है हमें, तो भाग कितनी बार जाएगा 7 या 21, यहाँ पर 5 तो 7 2 8 56, यहाँ पर अब बचा 2 यानी कि 38 बार पूरा भाग चला गया और अब 2 बचे हैं, तो अब हमें यहाँ 38 को छोड़ देना है, जो 2 बची हैं यही हमें उस दिन से काउंट करनी है, यानी कि जो 1 अप्रैल 1998 को पूछा गया है बुधवार था तो बुधवार से अब हमें 2 दिन ऐड कर लेने हैं। उसमें बुधवार के अगले 2 दिन क्या होंगे, तो बुध हो गया एक और एक हो गया हमारे पास गुरु, तो जो नेक्स्ट डे आएगा यानी कि 2 दिन बाद अगला डे आएगा वह शुक्रवार होगा, ठीक है, तो इसका आंसर शुक्रवार, यही इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2x+3y = 8 और 5x+4y = 13, इसके हमें एक्स वाई के मान निकालने हैं, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। यह तो काफ़ी इजी है, आपने अपनी 5वीं से 8वीं क्लास में इसे कई बार किए होंगे, चलिए फिर भी हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पर = 13 हम दोस्तों इसका एक दूसरे के उलट गुणा कर देंगे, यानी कि इस सीरीज में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस सीरीज में 2 का, तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। यहाँ आ गया 10x प्लस
15y बराबर 40, और यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस 8y बराबर 26। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ पर प्लस प्लस माइनस के यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 7y बराबर, और इसमें से 40 में से 26 जाएगा तो यह बचेगा 14। y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वह आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू यहाँ पर मालूम चल चुकी है। अब हम y का मान किसी भी यह दो समीकरण में रख देंगे तो जिससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हम पहले में ही इसका मान रख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8। यहाँ पर 2x प्लस 3y यानी कि 3 × 2 बराबर 8, और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 8। और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने जो वैल्यू निकलेगी वह हो जाएगी 2x बराबर 2। x की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो वह आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और x बराबर 1, यही इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन है, जिसकी 8 भुजाएं होती है वह अष्टभुज कहलाता है। यदि जिसकी षटभुजा के बारे में पूछा होता तो वह षटभुज होता, यानी कि 6 भुजाओं के बारे में और 5 भुजाओं के बारे में तो पूछा होता तो वह पंचभुज के नाम से जाना जाता। 8 भुजाओं के बारे में पूछा है तो वह अष्टभुज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर दोस्तों वह कौन सी संख्या है जिसे हम अगर इससे गुणा करें तो जो गुणनफल आए वह एक पूर्ण वर्ग के रूप में हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, एलसीएम हो जाएगा इसका 25, 525 आ गया। इसके बाद फिर हो जाएगा है 175, इस 5 से देंगे तो यह आ जाएगा 5 × 3 = 15 और भजम 25। अब अगेन हम इसे 5 से देंगे तो ये 7 आ जाएगा और लास्ट में ये 7 से एक बार जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो हमें प्राप्त हुआ है वह होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के तो यहाँ पर जोड़े बन गए हैं 3 और 5 के, बचा हमारे पास 1, 7, इसके जोड़े नहीं बने हैं। अब यही वह संख्या है जिससे अगर हम इसे गुणा करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वह हमें एक पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं, 1575 × 7, तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी वह आ जाएगी 11025। ठीक है, यही इसका आंसर है, यानी कि यह स्कोर होगा 105 का। ठीक है फ्रेंड, तो जो संख्या है वह 7, अगर इससे गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग के रूप में हमें मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल हैं दोस्तों, हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं हम इसका, एलसीएम 8075, इसे हम 5 से देंगे तो यह आ जाएगा 1615। फिर अगेन हम 5 से देंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 323। अब यह छोटी संख्या से तो नहीं जाएगा, अब यह बड़ी संख्या से जाएगा तो यह अब जाएगा 87, 87 यह जाएगा 19 टाइम, और फिर जो 19 बचा वह खुद सेल्फ से जाएगा यानी कि 19 से ही। तो जो हमारे पास एलसीएम आया वह आया 5 × 5, 70 × 19। तो अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है हमसे 2 अंकीय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 अंक प्राप्त हुए हैं, इन्हें हमें 2 अंक में लेके आना है, यानी कि जो अब हम निकालेंगे 17 × 5 और 19 × 5, इसे अगर हम मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 85 और यह आ जाएगा 95, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त होगी 180, जो कि यही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल में आपको इस तरह से करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 जोड़े बनते, 4 संख्या की जगह 6 अंक दिए होते तो उस कंडीशन में हम 3 3 अंक को ले लेते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल एक 100 प्रश्नों वाली पुस्तक के 25 प्रश्न पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो चलिए इसे हम पहले देख लेते हैं। अकबर अब्दुल जो है वह कितने पढ़ता है, 25 पेज पढ़ता है, और अकबर जो है वह 100 पृष्ठों की वाली किताब का 2/5 भाग पढ़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 40, यानी कि अकबर 40 पेज को पढ़ता है और अब्दुल 25 पेज। अब हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनको देखना है, जो भी सही रहता है और जो सही नहीं रहता है वही इसका आंसर होगा, जो सही नहीं रहता है। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, देख लेते हैं, अब्दुल अब्दुल येरा अब्दुल 25 पढ़े हैं, तो अकबर अकबर 40 हैं, तो इसके आगे 20 होंगे, तो यह गलत है, गलत है, और यही हमसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो यही इसका आंसर है। बाकी यह तीनों ऑप्शन यह पूरे सही हैं। अब अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, तो हाँ अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, अकबर ने अब्दुल के दोगुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े, तो यह भी ट्रू है, और अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े, तो यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 का क्या घात 2 10 का आधा हुआ, 2 का क्या घात 2 10 का आधा हुआ, तो मान लेते हैं हम 2 का x घात 2 10 का आधा हुआ, 2 10 इसका आधा हुआ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तभी इसका आधा हुआ। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यह तो रही 2x = 2 का घात 10, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी घात 1 भी मान लें तो भी इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला, मान सकते हैं। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और जब हम घातों को भाग देते हैं, यानी कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो उसी तरह से यहाँ से ये घट जाएगी, तो इसका घात जो आ जाएगा 9, तो इसकी जो एक्स वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पर हो जाएगी 9, तो यही इसका आंसर है। 2 का क्या घात 2 10 का आधा होगा, तो 2 का 9 घात 2 10 का आधा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर हमसे दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है, आयत की दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला को याद में रखना होगा, यहाँ पर आयत का विकर्ण पूछा गया, दिया गया है हमें, तो आयत का विकर्ण देख लेते हैं। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो लंबाई हमें यहाँ, आयत का विकर्ण हमें यहाँ पर दिया गया है 65, ठीक है, इसमें हम लिख देंगे 65, और जो लंबाई दी गई है वह हमें दी गई है 63, तो 63 × 63 यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ क्योंकि यह स्क्वायर में है, और प्लस चौड़ाई हमसे पूछी गई है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह रूट यहाँ 65 पे आ जाएगा, और 65 पे आ जाएगा तो जो हम इसे खोलेंगे रूट को तो सॉल्व करेंगे तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 4225, ठीक है, और यहाँ पर जो प्राप्त होगी वह संख्या हमें हो जाएगी 3969 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे, कौन सी, इस वाली संख्या को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास संख्या आ जाएगी 256 = चौड़ाई का स्क्वायर, आप इसे एक्स भी मान सकते हैं, और जब हम इसका चौड़ाई का स्क्वायर इस पर ले आएंगे, ठीक है, तो यानी कि यह अंडर रूट आ जाएगा 256 = चौड़ाई, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यानी कि चौड़ाई की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वह आ जाएगी 16, 16 का स्क्वायर अंडर रूट है 256 होगा, यही इसका आंसर है, देख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत निकालिए, तो औसत इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ लेना है, और जितनी संख्या दी गई हैं उन्हें हमें डिवाइड, उस अंक से हमें डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 17, 21, 27, 18 और 17, तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और जब इनकी हम काउंट करेंगे तो यह हो जाएगा 17, 21, 27, 18 और 17,
ये हो जाएगा 100, 85, और जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 20, यानी कि 20 औसत। तो यह रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है 625/125 √x/(x)√5। ठीक है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। √625/125 = x/(√5। तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 125 पाँच टाइम में है, 625 को कैंसिल कर देगा, तो जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी वह √5 में हो जाएगी, और यहाँ पर सेम x/(√5)। तो अब हम यहाँ पर x की जो निकालेंगे वैल्यू वह आ जाएगी √5 × √5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा only 5। क्या आ जाएगा? only 5। यही इसका आंसर है, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपने इन सभी जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, पटवारी के कुछ पेपर हैं 2017-18 के, उन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे सामने है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। धनात्मक पूर्णांक एक्स, वाई और जेड हैं। x/y = 14, x/y (z) = 10, और z/x = 35 है। तो यहाँ पर हमें x + y + z का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। x/y हमारे पास दिया गया है 14, और y/z दिया गया है 10, और z/x दिया गया है 35। इसे दोस्तों आपको अपने स्मार्ट अप्रोच के द्वारा इसे सॉल्व करना है। हालांकि एक ट्रेडिशनल मेथड इसके लिए यूज होती है जो आपका काफ़ी समय ले लेगी। आपको उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर हम इनमें एक्स और वाई को मैं क्या मान रखें जिसका मल्टीपल हमें यह संख्या प्राप्त हो, उसी तरह से वाई जेड का हम यहाँ पर क्या मान रख सकते हैं जो कि अगर गुणा करें तो 10 प्राप्त हो। तो हम खुद से सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं और y की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें 7 × 2 = 14 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है सही होगी वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने 7 मानी है, और 7 और यहाँ पर हम किसका यहाँ पर गुणा करें जो कि हमें 35 प्राप्त हो, तो हमें यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर z की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर z की वैल्यू ये है 5 और y की वैल्यू 7 है, तो y की वैल्यू 2 है सॉरी, 5 × 2 = 10, यानी कि यह भी पूरी तरह से हो रहा है और यह भी निकल रहा है। तो हम मान सकते हैं जो वैल्यू आएगी वह आएगी x = 7 और y = 2 और z की वैल्यू जाएगी 5। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, x + y + z का हमें मान पूछा गया है, इन दोनों का योग क्या होगा, तो हमें सिंपली जोड़ देना है 7 + 2 + 5। तो जो हमारे पास में उत्तर आएगा इसका वह आ जाएगा 14। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। कब थी? 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति, पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। तो अभी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अभी पुत्र की आयु के बारे में हमसे पूछा गया, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों 7 वर्ष पहले जो औसत आयु थी वह क्या थी? 27, यानी कि यह कितनी की थी? दोनों की। तो यहाँ पर हम इसे गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 54 वर्ष। ठीक है, अब हम वर्तमान में दोनों की आयु को देखना है। वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी? यह तो पहले 7 वर्ष पहले थी उनकी आयु, अभी 7 वर्ष पहले यानी कि 7 वर्ष की आयु अभी हमें निकालनी होगी प्रेजेंट में लाने के लिए। प्रेजेंट में अगर हमें फाइंड करना है तो 7 × 2 कर देंगे, यह हो जाएगी 14। ठीक है, तो अभी उनकी प्रेजेंट में क्या आयु हो गई? 68। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तीनों की आयु, औसत आयु को ज्ञात कर लेनी है। तीनों की औसत आयु यानी कि 24 वर्ष है दी गई है। पति, पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु कितनी दी गई है? 24 वर्ष। तो इस तरह से हम 24 × 3 करेंगे तो यह आएगा 72। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 72 है। अब ये किसकी है? तीनों की है, और यह डाटा किसका है? दो, यानी कि पति पत्नी का है, और इसमें उनका बच्चा भी शामिल है।
तो यहाँ पर हम 72 में से ट्रैक कर देंगे, तो जो आ जाएगा भाई हमारा जाएगा हमारे पास आंसर इसका 4, यानी कि यही इसकी पुत्र की आयु होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या x निकालिए। यहाँ पर इस तरह से संख्या दी गई है कि 2x, 3, 12 और 6, 24। तो यहाँ पर x की जगह क्या संख्या आनी चाहिए इस तरह। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा, यानी कि जो अगले डाटा दिए गए हैं, जो सीरीज दी गई है, वह किस तरह से बन रही है। यानी कि अगर हम 3 × 4 करते हैं तो वह 12 के रूप में हमें मिलती है, और 6 × अगर हम 4 करते हैं तो वह संख्या हमें 24 प्राप्त होती है। सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके है 12 को लिखे गए हैं, और 6 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 24 हमें मिल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर दोनों में 4 4 से मल्टीप्लाई किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या आ जाएगी हमारे पास 8, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टाइम के बारे में पूछा गया है। तो टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यह फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हमें पहले तो चाल निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर दूरी तो दी गई है, चाल हमें ज्ञात करना है। तो चाल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है, 300, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.5 मिनट में किसको पार करती है, एक खम्भे को पार करती है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी, चाल। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे वह आ जाएगा हमारे पास 750, 750 पर मीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 750 पर मीटर प्रति मिनट इसकी चाल हो गई है। अब हमें समय को यहाँ पर निकालना है, तो समय को निकालने के लिए अब हम समय बराबर, दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है, तो 450 मीटर लंबी लंबी 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो है गाड़ी, रेलगाड़ी जो है वह दोनों को पार करेगी, जो अगर है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो है स्वयं को भी यहाँ से मतलब जाएगी, तो यहाँ पर क्रॉस करेगी, तो है स्वयं को भी पार करेगी, प्लस यहाँ पर जो 400 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी, यानी कि दोनों को हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। तो 300 प्लस 450, और हमारे पास चाल बराबर क्या है, 750 प्रति मीटर पर मिनट, 750। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750 अपॉन 750, कैंसिल करेंगे तो 1 मीटर का समय, सॉरी 1 मिनट का समय लेगी। तो ये इसका आंसर है, 1 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा इसे 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए। इसे कितना समय लगेगा, इसे 1 मीटर का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रेणी में यानी कि 5, 10, 15, 20 श्रेणी में 15वां पद क्या होगा। यानी कि यह एपी का है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला से यह क्वेश्चन होगा, आप ऐसे भी कर सकती हैं, 5, 10 जो यहाँ पर डाटा दिया गया है इसके बाद से भी काउंट कर सकती हैं, क्योंकि अंतर इनमें 5 का आ रहा है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, इस तरह से आप 15वां पद भी निकाल सकती हैं। लेकिन बेटर होगा कि आप फॉर्मूले से निकालें, तो यह जल्दी से निकल आया, और बाई चांस अगर इसकी जगह 15 की जगह यहाँ पर कोई लंबा वा पद दिया होता, यानी कि 45वां पद पूछ लिया होता, तो फिर किस तरह से निकालते। तो हमें इस फॉर्मूला को ही लेकर चलना है। तो चलिए समांतर श्रेणी का हम फॉर्मूला यहाँ पर रख लेती हैं, समांतर श्रेणी का एन व पद क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा समांतर श्रेणी का एन व पद होगा हमारे पास ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए बराबर क्या मानते हैं हम, प्रथम पद। ठीक है, जो प्रथम पद पूछा गया वह प्रथम पद होता है, और एन बराबर वह पद यानी जो पूछा गया है कौन सा पद, वह पद,
और डी होता है इसका डिफरेंस यानी कि अंतर। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लें लिख के और इन्हें याद कर लें तो काफ़ी आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने में काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका हम वैल्यू रख देते हैं। ए बराबर क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है हमारे पास 5 है। और एन बराबर क्या दिया हुआ है वह पद, कौन सा पूछा है 15वां पूछा है -1। और डी यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 5 5 का डिफरेंस सभी में है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख देंगे 5। और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 × 5। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, जो कि इसका कौन सा 15वां पद होगा, 75 इसका आंसर रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36वां क्वेश्चन। कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है, 3:5। यदि आपसे 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर हमें दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है, और आपसे 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कुणाल क्या है, कुणाल का रेशियो क्या है, मान लेते हैं 3x, और यहाँ पर गणेश का रेशियो 5x। ठीक है, इस तरह से हम इसे मान सकते हैं। 4 वर्ष बाद पूछा है तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, कुणाल की होगी 3x+4 और गणेश की होगी 5x+4। ठीक है, अब बोला गया है कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3x, कुणाल जो है वह गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। यहाँ पर 12 बराबर गणेश से किससे, गणेश से 5x+4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x+16 = 5x+4। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x = 12, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, अब भाई x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 6 है, तो यहाँ पर हम इसे जमा देंगे x की वैल्यू, तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 3x यानी कि 3 × 6 = 18, और इसकी हो जाएगी 5x यानी कि 5 × 6 = 30। तो हमसे पूछा गया है कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कुणाल की वर्तमान आयु 18 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं किस तरह से पूछा गया है। यदि किसी संख्या को मान लेते हैं, यदि किसी संख्या को मान लेते हैं कि x वह संख्या है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है, 47 मिलता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 19 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल हमसे पूछा गया है क्या प्राप्त होगा। तो वह संख्या दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना कि एन वह संख्या है, यहाँ पर 361 × x, ठीक है, +47। अगर हम दोस्तों 361 से विभाजित किया जाए, अगर हम किसी संख्या को 361 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष पर हमें क्या मिल रहा है, 47। यानी कि 47, अगर 47 का उसका भाग पूरा नहीं जा रहा है, अगर हम इस संख्या को मान लीजिए यही संख्या पूछी है, इस संख्या को 361 से विभाजित करें तो यह तो पूरा पूरा चला जाएगा, और जो बचेगा वह क्या आ जाएगा, 47, यानी कि जो शेषफल रहेगा वह 47 यहाँ पर दिया गया है। अब हमें पूछा गया यदि उसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो चलिए हम इसी संख्या को 9 से डिवाइड कर देते हैं, 361 + 47 बराबर 9 से नहीं सॉरी 19 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 408/19,
और इसका आंसर आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर इसका नो। तो भय संख्या शेषफल क्या प्राप्त होगा? नो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी 361 में 47 जोड़ लीजिएगा आप, तो शेषफल जो है यानी कि है 361, तो पूरी टाइम बन जाएगा उसका भाग और 47 शेषफल बचेगा। तो यानी कि इसमें अगर 47 जोड़ा जाए तो वह संख्या हो जाएगी 408। ठीक है, अब 408 को ही आपको 19 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से इसका आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन, यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं, शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकु बेलन के, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका सलूशन देख लेते हैं। शंकु और बेलन के दोनों के आयतनों का हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, और जो दिया गया है वह अनुपात में दिया गया है, यानी कि शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, रेशियो में हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयतन बराबर क्या दिया गया है। तो इनको फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो बेलन का आयतन होगा वह होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर एच तो कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी वह आ जाएगी यहाँ पर 1/3/1। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या मिल गया है, 1/3, तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो इसका यह हो गया शंकु और यह हो गया बेलन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों के बीच आयतनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरल कीजिए। 39वां क्वेश्चन। 27/3 − 5/3 √3 − 7 × 3 = 4। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बड़ी ही सावधानी से सॉल्व करना है, इनके थोड़े से आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं या भाग में क्या होती हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 को यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो 3 की घात 4 है, और 3 की घात यहाँ पर 4 ऊपर दी गई है, इसे आप यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 27 × 3 − 5/3 ऐसे। दोस्तों हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर √3 √ दिया गया है तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 7 √1/3 इसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर 27 दिए गए हैं इसे हम तोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 3 का 3² × 3 − 5/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा −7/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 3/1, यहाँ पर माइनस में है तो हमें माइनस ही यहाँ पर रखना है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस दिया गया है तो माइनस का साइन ही रखना होगा, 3 है, और फिर यहाँ पर 7/3, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 यानी कि 9 इधर आ जाएगा, और इसका 5 आ जाएगा माइनस, और इसका −7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 माइनस के साथ माइनस के, तो यह हो जाएगा −12 − 12 यानी कि 9 − 12, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर माइनस यहाँ पर सॉरी 3
तीन भी आएगा, और तीन की पावर -3/3, और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा हमारे पास एक, तो जो हो जाएगा आंसर हमारा 3^-1 है, इसका आंसर है। इसे अब हम यहाँ पर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जब यह पावर माइनस में दी गई है तो इसे हम अगर हम नीचे ले जाएंगे तो हम इसका माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3^1, इसे इस तरह से लिखेंगे और इसका साइन हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह इसका आंसर हो गया 1/3। चलिए इस एग्ज़ाम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी? तो दोस्तों 3 से विभाज्यता के नियम को आप भली भांति समझते हैं, यानी कि जिन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है होती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसे चेक करते हैं, तो 8, 2, 10, 7, 17 और 6, 23, 4, 27, 3, 30, 2, 32, इसका आ रहा है 35, यानी कि 35 3 से डिवाइड नहीं होगी। होगी क्या? नहीं। तो है संख्या आउट, 8, 2, 16, 17, 6, 23, 29 और 32, इसका आ गया 32, यह भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20, 27 और 35, यह भी 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसको इसे चेक कर लेते हैं, तो 4, 6, 10 और 2, 12, यहाँ पर हमें 12 मिला। इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह से 4 बार डिवाइड हो जाएगी, तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह का कोई कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इस पढ़वाई एग्ज़ाम की जो और भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, GK, कंप्यूटर, पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उन सभी की मैं वीडियो पूरी 20 पेपर की वीडियो लगभग मेरी बन चुकी हैं, और अपनी प्लेलिस्ट में, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं, और मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते होंगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। मैथ की हम सीरीज शुरू कर चुके हैं दोस्तों, और जो भी इसके पेपर हैं पटवारी के जो 17, 18 में हुए हैं, उन सभी के मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर